आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। श्रीनगर के जेवन बड़े बड़ा आतंकी हमले की वारदात हुई है। पुलिस की बस पर आतंकियों की फायरिंग। आतंकी हमले में 3 जवान शहीद और 11 लोग घायल हुए हैं। मोटरसाइकिल सवार आतंकियों ने की है फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जहां श्रीनगर के जेवन में बड़ा आतंकी हमले की वारदात हुई है, जहां पुलिस की बस पर आतंकियों की फायरिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी हमले में 3 जवान शहीद और 11 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सवार आतंकियों ने की है फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? सुबह भी जम्मू कश्मीर में इस तरह का एक हमला हुआ था, और अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 12 लोगों के 12 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, ये बताया जा रहा है, और 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है श्वेता। श्रीनगर के जेवान इलाके में आतंकियों ने पुलिस की बस पर फायरिंग की, और उसके बाद बाइक से कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इसमें 12 जो जवान है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 2 की मौत हो गई है, ऐसा अब तक जो अपडेट निकलकर सामने आया है वो हुआ है श्वेता। नितिन, क्या कुछ कारण बताया जा रहा है अचानक से, क्योंकि सुबह भी फायरिंग हुई है और अभी फिर से फायरिंग की जा रही है, तो क्या कारण, क्या कारण निकल के आया है? देखिए, कश्मीर पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि श्रीनगर के पंथ चौक इलाके में जेवान के पास एक पुलिस वाहन पर आतंकियों ने पहले फायरिंग की है, और हमले में 14 जवान जो है वो घायल हुए हैं। सभी घायल कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है और इलाके की घेराबंदी जो है वो की गई है। सबसे अहम बात यह है कि कश्मीर पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार आतंकियों के ऊपर जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई और सेना की कार्रवाई हो रही है, उससे जो आतंकी है वो काफी बौखलाए हुए हैं और लगातार उसका जो काउंटर है वो करने में लगे हुए हैं, और उसी काउंटर का ही एक और नतीजा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले 4 से 5 घंटे पहले भी जम्मू कश्मीर में इस तरह का जो हमला हुआ था आतंकियों की तरफ से वो किया गया था, और अभी भी ये हमला जो है वो किया गया है। ऐसे में पुलिस की तरफ से और जो मौजूदा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वहां पर, उनकी तरफ से लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो करी जा रही हैं, और यही इसका प्रमुख कारण है कि आतंकवादियों की तरफ से जो इसका काउंटर है वो हो रहा है श्वेता। तो स्थानीय लोगों के लिए भी कोई सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्या? देखिए, पुलिस ने घेराबंदी कर दी है पूरे इलाके की। पूरे इलाके में इस वक्त चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है, वो लगातार इसकी जो देख रेख है वो कर रहे हैं। लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और पूछा जा रहा है कि कहाँ पर कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब सारी जो तह तक है उसको जानने की पहुंचने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। लेकिन फिलहाल अभी जो ताज़ा अपडेट यही है कि 2 जवानों की मौत और 14 जो पुलिसकर्मी है वो घायल हुए हैं इस पूरी घटना में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जो आतंकवादी का हमला हुआ है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बुलंदशहर में बसपा को दूसरा बड़ा झटका मिला है। जहां पूर्व बसपा विधायक रालोद में शामिल हुए हैं। अनूप शहर के विधायक रहे गजेंद्र चौधरी हुए हैं रालोद में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में जयंत चौधरी ने दिलाई है सदस्यता। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस का यज्ञ। गौशाला में हो रही मौतें से नाराज कांग्रेस का सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है, जो कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के हिंदुत्व को ढोंग बताया। कांग्रेसी सरकार का पर हमला, हिंदुत्व के नाम पर गुमराह करने का लगाया है आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गौ माता से माफी मांगने की मांग की गई है। रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय पर सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है।
लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की हुई है मौत, जहां मोरंग भर कर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से दब कर मौत हुई है। मृतक शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद का रहने वाला है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।